एवरीवन वेलकम टू दिस चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइज, आज हम बात करने वाले हैं कि आपके जो पर्सन है इस वक्त, आपके माइंड में जो भी एक स्पेसिफिक पर्सन, कोई एक खास इंसान इस वक्त आपके माइंड में चल रहे हैं, वो आपको लेके इस वक्त क्या फील कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं इस वक्त। सो गाइज, जनरल रीडिंग है, आपसे जितने मैसेजेस रेजोनेट होने लीजिएगा। और आप किसी भी राशि के हैं, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, बस एनर्जी आपसे मैच होनी चाहिए। एनर्जी आपसे मैच हो रही है, दैट मीन्स ये रीडिंग आप ही के लिए है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा। लेट्स सी आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स राइट नाउ। अबंडेंस, ओके। सो आपके जो पार्टनर हैं, आगे के कार्ड्स वो देख लेते हैं। ओके, कॉन्शियसनेस, करेज, द क्रिएटर, रिबर्थ, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी हमें मिली है। लेजीनेस इन रिवर्स, वाओ। आपके पार्टनर इन पास्ट बहुत ज़्यादा लेजी थे, कोई स्टेप नहीं ले रहे थे, इस कनेक्शन को लेके कोई एक्शन नहीं ले रहे थे, बट राइट नाउ आपके जो पार्टनर हैं वो ऐसी एनर्जी में है राइट नाउ कि इनको एक्शन लेना है, कैसे भी करके इसको, इनको इस कनेक्शन में न्यू स्टार्ट करना है। ये नहीं चाहते कि सब एंड हो जाए। आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये कनेक्शन ग्रो करे। अभी इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इनको इस कनेक्शन के लिए वर्क करना है, इस पर इन्वेस्ट करना है। इस कनेक्शन पर आपके पार्टनर इस कनेक्शन को आगे तक ले जाना चाहते हैं, और इन्होंने जैसे डिसाइड कर लिया है कि इनको इस कनेक्शन में न्यू स्टार्ट चाहिए एट एनी कॉस्ट। रीबर्थ का कार्ड आया है, आपके पार्टनर ट्रांसफॉर्म हुए हैं, बहुत चेंजमेंट इनके अंदर आए हैं। इन पास्ट ये बहुत ज़्यादा लेजी थे, अभी एक्शन ओरिएंटेड हो चुके हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं। इस वक्त इनकी फीलिंग्स में सिर्फ एक्शन चल रहे हैं कि मुझे एक्शन लेना है, मुझे इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना है, इस कनेक्शन को बहुत ब्यूटीफुल बनाना है। सो एक गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ रही है, यहाँ पे आप रेनबो टाइप का कुछ देख सकते हैं, मुझे ये रेम्बो ही रिप्रेजेंट हो रही है। तो रेम्बो रिप्रेजेंट करता है कि एक अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग, हैप्पीनेस आपकी तरफ आ रही है, ठीक है। और कॉन्शियसनेस मुझे ये बता रहा है कि आपके पार्टनर का जैसे थर्ड आई चक्रा एक्टिव हुआ है, जिसकी वजह से ये चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे हैं। इनको समझ आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत, इनको समझ आ रहा है कि कौन फेक है कौन रियल है। इस इंसान को इस कनेक्शन की वर्थ समझ में आ रही है, दैट्स वाई अभी ये एक्शन मोड में आए हैं, और अभी इस लेजीनेस से बाहर निकल के अभी एक्शन लेने वाले हैं, एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं अवेयर हुए हैं इस कनेक्शन के प्रति। मैंने कहा ना, ट्रांसफॉर्म हुए हैं, चेंजमेंट बहुत आया है आपके पार्टनर में, आपके पार्टनर की अवेकनिंग हुई है, इनका थॉट प्रोसेस चेंज हुआ है। पास्ट में अगर ये नेगेटिव चल रहे थे इस कनेक्शन को लेकर, अभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये इस कनेक्शन की वर्थ समझ रहे हैं, इन्होंने इस सेपरेशन में इस कनेक्शन की वर्थ समझी है, आपकी वर्थ समझी है, आपकी वैल्यू समझी है। यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम जर्नी दिख रही है। सो हो सकता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपके पार्टनर का थर्ड आई चक्र एक्टिव हुआ है, वो करेज इकट्ठा कर रहे हैं। मैंने कहा ना, यहाँ भी मुझे ग्रोथ दिख रही है, ग्रो करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, यहाँ पे भी मुझे ग्रोथ दिखी थी। सो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ग्रोथ चाहते हैं इस कनेक्शन में, ग्रो करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, और करेज, जैसे इन्होंने अभी करेज इकट्ठा कर लिया, कलेक्ट कर लिया, अभी बस इनको एक्शन लेना है, क्योंकि इनको इस कनेक्शन में एक न्यू स्टार्ट चाहिए। ये कनेक्शन को एंड नहीं करना चाहते, ये नहीं चाहते कि आप दोनों का कनेक्शन एंड हो, ये चाहते हैं कि ये कनेक्शन फिर से स्टार्ट हो, और एक नए सिरे से, एक नए नज़रिए के साथ। आपके पार्टनर का यहाँ पे मुझे सोलर प्लेक्सस चक्र एक्टिव होते हुए नज़र आ रहा है, जो कि बताता है कॉन्फिडेंस को। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, क्रिएटिव हो रहे हैं, वो इस कनेक्शन को फिर से रीबिल्ड करना चाहते हैं, रीस्टार्ट करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं करेज जैसे इनके अंदर आई है, और इन्होंने हिम्मत जुटाई है, अभी इनको इस कनेक्शन के लिए एक्शन लेना है। और आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, आपको लेके, इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है। सो गाइस, बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकली है। चलिए देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर है, इनका नेक्स्ट एक्शन हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके प्रति, इनका नेक्स्ट एक्शन
लेट्स सी इनका नेक्स्ट एक्शन. सी एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करेंगे. इनका नेक्स्ट एक्शन यही होगा, वेरी सून बहुत ही जल्द आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करेंगे. बहुत ही जल्द आपके पार्टनर आपसे क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, या तो आर या बार क्लियर बातें करेंगे, क्लैरिटी देंगे आपको कि हाँ इस कनेक्शन में ये चीज़ें होंगी, ये चीज़ें नहीं होंगी. सो आपके पार्टनर आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप कोई डाउट में रहें, वो आपके सारे डाउट्स क्लियर करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं. बहुत बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है दिस स्टार. आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा होपफुल हैं इस कनेक्शन को लेकर एट प्रेजेंट टाइम. इस वक्त जैसे बहुत सी उम्मीदें जोड़ रखी हैं इस कनेक्शन में, जैसे सब अच्छा होगा आगे चल के और आप इनको एक्सेप्ट करेंगे. कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव हैं आपके पार्टनर. सो अभी यूनिवर्स की तरफ से इस कनेक्शन में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज. शो द वर्ल्ड द रियल यू. सो हो सकता है आपने भी इनकी तरह फेक मास्क पहनना स्टार्ट कर दिया है. आप चेहरे पे स्माइल रखते हैं, अंदर दर्द छिपा रहे हैं. नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है. अगर ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं तो अपनी रियल इमोशंस इनके सामने रखें. अगर आप इनके बिना नहीं रह पा रहे हैं तो आप इनको बोल लें. ऐसा नहीं बोलें कि सामने वाला फ़ायदा ही उठाए. नहीं, अपनी बात को इस तरीके से प्रेजेंट करना सीखें, इस तरीके से प्रेजेंट करें कि उनको आपकी मजबूरी नहीं, आपका लव दिखे. होप यू अंडरस्टैंड. आपको अपनी बातें इस तरीके से रखनी है, छिपाना भी कुछ नहीं है. ऐसा नहीं है कि हाँ मुझे तो कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि अंदर ही अंदर आप मरे जा रहे हैं कि कब आए, है ना. ना तो ऐसे करना है कि आए और बस जैसे बस आप ही मेरे सब कुछ थे और आपके बिना तो जैसे मैंने खाना भी नहीं छोड़ दिया था. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है. और ऐसा भी नहीं करना है जैसे आप इनको इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा भी इनको फील नहीं होने देना है. ठीक है, और अपने इमोशंस को, बट आपको अपने इमोशंस को इनके सामने ज़रूर रखना. आपको जो चाहिए एग्जैक्टली इनके सामने रखें. ए पर्सनल इशू रिचेस रिसोल्यूशन. सो आपका एक कोई पर्सनल इशू आप दोनों के बीच जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, वो बहुत जल्द उसका सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है. सो गाइज, ये थी छोटी सी रीडिंग. होप आपसे रेजोनेट किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूलें. मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर. जय सियाराम.